सब्सक्राइब कीजिए सेठानी की रसोई चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी 15 से 20 दिन चलने वाला एक ऐसा स्नैक जो कि बहुत आराम से बन जाता है, बहुत कुरकुरा और बहुत टेस्टी होता है। हम आज बना रहे हैं मूंग दाल पापड़ी। उसके लिए मैंने यहाँ आधा कप मूंग की दाल ले ली है धुली हुई और इसे मैंने 2-2.5 घंटे सोक कर लिया है। अब मैं इसे पीस लूँगी। चलिए पहले हम इसे पीस लेते हैं और उसके बाद आगे की तैयारी करते हैं। मूंग की दाल हमने पीस ली है। इसे पीसने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल किया है। यहाँ मैंने ली है करीब 1.25 कप मैदा। इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़े से मसाले। मैंने ली है थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से चिली फ्लेक्स हैं, थोड़ी कलौंजी है, थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ली है, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा जीरा है और थोड़ी सी ली है अजवाइन। इन सब मसालों को मैं इस मैदा में डाल दूंगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ ली है 2 बड़े चम्मच सूजी, इसे भी मैं मैदा में ऐड कर दूंगी। ये हमारी पापड़ी को बहुत क्रिस्पी करने में हेल्प करेगी। मैंने लिया है यहाँ 3 बड़े चम्मच घी, आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। इसे मैं मैदा में डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। घी अच्छे से मैदा में मिक्स हो गया है, इस तरीके से डो हमारा बंधने लगा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मूंग की दाल जो हमने पीसी है। सारी मूंग की दाल हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसका एक डो बना लेंगे। डो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है हमें, थोड़ा हार्ड रखना है, जैसा मठरियों का डो होता है उस तरीके से, पूरी के आटे से भी थोड़ा हार्ड। डो हमारा तैयार हो चुका है। इसे मलने के लिए मुझे बिल्कुल पानी की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ मूंग की दाल वाले बैटर से ही ये तैयार हो गया है। अब हम इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने, ताकि सूजी और मूंग की दाल अच्छे से कण गला दे और मैदा और सूजी का कण बिल्कुल गल जाए। चलिए 10 मिनट बाद हम बनाएंगे अपनी पापड़ी। 10 मिनट हो गए हैं, चलिए अपना डो देखते हैं। डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। आप चाहें तो पापड़ी अलग अलग छोटी छोटी लोइयां बना के बेल सकते हैं, या एक बड़ी पूरी बना के उसमें से आप छोटी छोटी लोइयां काट, छोटे छोटे पापड़ी के पीस काट सकते हैं किसी कुकी कटर से या किसी छोटी कटोरी से, जो भी आपको साइज चाहिए हो, जिस शेप की भी आपको चाहिए हो। चलिए हम इसमें से डो बना लेते हैं और फिर कुकी कटर से काटेंगे। पांच लोइयां बना ली है मैंने। अब इन्हें मैं चिकना कर लूंगी ताकि बेलने में कोई परेशानी ना हो। सारी लोइयां चिकनी हो गई है, चलिए अब एक को बेलते हैं। इसको हमें बिल्कुल पतला बेलना है, जैसा कि पापड़ी होती है। आप चाहें तो इसकी मठरियां भी बना सकते हैं, वो भी बहुत कुरकुरी बनती हैं। लेकिन पापड़ी को आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। पापड़ी की चाट बना के खा सकते हैं, उस पर सूखी सब्जी लगा के भी उसकी चाट बनती है, वो भी खा सकते हैं, और नहीं तो पापड़ी को आप चाय के साथ और अचार लगा के भी इंजॉय कर सकते हैं। पतली सी पूरी बेल लेनी है बिल्कुल हमें। पापड़ी की पूरी हमारी बेल गई है, आप देखिए इस तरीके से रखनी है हमें। अब मैं इसे कुकी कटर की हेल्प से काट लूंगी। आप जिस साइज की भी बनाना चाहें, छोटी बड़ी वैसे काट सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसमें छेद कर दूंगी ताकि हमारी पापड़ी फूले ना, ये बहुत जरूरी है। अच्छे से पूरी इस बेस पे हम छेद कर देंगे चारों तरफ और फिर इसे कुकी कटर की हेल्प से काट लेंगे।
अब इसको निकाल लेंगे आराम से। और इसी तरीके से सारी लोइयां अपनी बेल के तैयार कर लेंगे। सारी पापड़ियां हमारी बिल गई हैं, हमने उन्हें काट लिया है। आप देखिए इस तरीके से रखना है हमें, और छेद जरूर करिएगा। घी भी हमारा गरम हो गया है फ्राई करने के लिए। चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। हीट बिल्कुल स्लो रखिएगा, तभी ये अंदर से कुरकुरी बनेंगी। एक एक करके हम अपनी पापड़ियां डाल देंगे, जितनी एक बार में आसानी से आ जाएं उतनी पापड़ियां हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। पापड़ियां हमने डाल दी है कढ़ाई में, हल्की हल्की आंच पे इन्हें सिकने देंगे। हीट को तेज नहीं करेंगे, तभी ये कुरकुरी बनेंगी। कलर इनका अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है, और सिकने के बाद तो और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। पापड़ी अब हमारी एक तरफ से सिक चुकी है, इन्हें हम पलट देते हैं। हीट अब भी हम मीडियम ही रखेंगे, और सारी पापड़ियों को एक बार इस तरीके से पलट देंगे। आप देखिए दूसरी तरफ से कलर बहुत सुंदर हो गया है। इसी तरीके से दोनों तरफ से सेक लेंगे। पापड़ी हमारी दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई हैं। आप देखिए ये कितनी क्रंची बनी है, इनकी आवाज़ भी मैं आपको सुनवा सकती हूँ। अब हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। सारी पापड़ियाँ निकालने के बाद हम हल्की हीट पर ही अपना दूसरा बैच डालेंगे, और इसी तरीके से सारी पापड़ियों को सेक लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। सारी मूंग दाल पापड़ी हमारी सिक चुकी हैं। आप देखो ये कितनी अच्छी लग रही हैं, और बहुत कुरकुरी भी बनी है, बिल्कुल आसानी से टूट रही है। आप देख सकते हैं इनकी आवाज़ भी सुनिए। चलिए पापड़ी तो हमारी तैयार है, आपको बना के दिखाते हैं बहुत ही टेस्टी पापड़ी चाट, जो बहुत झटपट बन जाती है, और जिसका सामान आमतौर पे हर घर में ज़्यादातर हर समय ही मौजूद होता है। चलिए बनाते हैं अपनी पापड़ी चाट। पापड़ी चाट बनाने के लिए हम 4-5 पापड़ी ले लेंगे, और उस पे रखेंगे उबले हुए आलू। ये मैंने स्लाइस काट लिए हैं, आप चाहें तो फोड़ के भी डाल सकते हैं। उबले हुए आलू आमतौर पे हम लोगों के पास अवेलेबल रहते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं थोड़े से उबले हुए चने। चने हर समय मौजूद नहीं रहते, आप मटर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये भी ना हो तो घर में कोई सूखी सब्जी बनी हो थोड़ी सी, वो ऐड कर दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दही। दही को मैंने चला लिया है। दही डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी मीठी सौंठ। अगर सौंठ आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप दही में ही 1 चम्मच बूरा मिला लीजिए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हरी चटनी, साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। थोड़े से अनार के दाने ले लिए हैं मैंने, और ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी भुजिया। आप कोई भी नमकीन डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, स्वाद अनुसार काला नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला। लीजिए पापड़ी चाट हमारी तैयार है झटपट। अगर ये पापड़ी आपके पास हो, आप इन्हें अचार से, सब्जी से, या इस तरीके की पापड़ी चाट बना के कभी भी खा सकते हैं। तो इन्जॉय कीजिए मूंग दाल पापड़ी, बना के ज़रूर देखिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।